हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 समझेंगे। इसके अंदर में आपका ना वैल्यू होता है, वो वैल्यू टेबल जो है ना हम देखेंगे कैसे हम इसको बना सकते हैं, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आप देखो, इस टेबल को बनाने के लिए हम जो है ना एक आसान तरीका बताते हैं बच्चों को, वो जो है ना ये है। जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वैल्यू याद करना है। ये एंगल ए है, मीन साइन ए, साइन कॉस टैन, उसके बाद आता है कॉसेक, उसके बाद सेक और उसके बाद आता है कोट। इसका वैल्यू आपको जो है ना याद करना है। याद करने से पहले हम इसको बनाने का हम तरीका हम बता देते कैसे हम बनाते हैं इसको। इसके ऊपर जो है ना आप क्या लिख लेना, आप 0 लिख लेना, 1 लिख लेना, 2 लिख लेना, 3 लिख लेना, 4 लिख लेना, ठीक है। इस सब को जो है ना 4 से ही डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करने के बाद ना इस पर रूट लगा देना, सारे पे रूट लगा दिया। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 1 बचेगा, ये कैंसिल हो के 2 बच रहा है, ये कैंसिल नहीं होगा। ये 0/4 है तो इसका वैल्यू ना 0 ही होता है, तो साइन 0 ना आपका 0 हो जाएगा। ये 1/4 है तो 1/4 का रूट जो है ना 1/2 होता है, तो इसको हम 1/2 लिखेंगे। ये 1/2 बचा हुआ है तो ये 1/√2 होगा रूट के अंदर में। ये 3 का रूट नहीं होता है इसलिए √3 होगा, और 4 का रूट होता है 2 तो 2 लिखेंगे, और ये तो 1 का √1 होता है। तो इस तरह से हमारा साइन का वैल्यू आ गया। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। साइन का वैल्यू 0 डिग्री से इंक्रीज होता है, ये 1 की तरफ, ये 0 डिग्री से इंक्रीज होता है और 1 से ये डिक्रीज होता है, ठीक है। तो साइन एक साइन का वैल्यू आप याद रखें कि ये 0 डिग्री से इंक्रीज होता है, ये 1 की तरफ, और इसकी वैल्यूज जो है ना आपको, ये आपका वैल्यूज हो गया। अब हम देखते हैं कॉस का हम कैसे लिख सकते हैं। तो कॉस का जो है ना वापस आप यहाँ से जो है ना, यहाँ से आप जो है ना इसको रिमूव कर देना, यहाँ से जो है ना ये जो 90 डिग्री का वैल्यू है ना ये 1 हो जाएगा इसका, ये √3/2 इसका है ना, तो √3/2 इसका वैल्यू हो जाएगा और 1/√2 तो यही रहेगा। अब ये 1/2 हो जाएगा और ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री से जो है ना पड़ जाता है, ये इस कॉस का वैल्यू जो है ना 1 से डिक्रीज करता है, 1 से डिक्रीज करता है। तो अब देखो, एक आपने जो है ना बना लिया, एक वैल्यू आप बना लिया, दूसरा वैल्यू जो है ना आपको अपने आप जो है ना इसका हो गया, इसको उल्टा करके। फिर अब टैन का जब आप लिखते हो तो इसको जो है ना डिवाइड कर दो, 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा, इसको इससे डिवाइड करना है। इसको जब इसको डिवाइड करोगे तो 1/√3 होगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा सेम है इसलिए 1 हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड करोगे तो √3 हो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करते तो 1/0 नहीं होता इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड जो है ना इसका वैल्यू हो जाएगा। देखो तो कितना आसान हो गया। अब कॉसेक ए जो है ना, कॉसेक ए ये साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट यानी कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए होता है, तो ये 1/0 होगा, तो मीन्स ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये वाली नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 है तो ये 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो ये √2/1√2 हो जाएगा, ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, और 1/1 1 ही होता है तो 1 लिख देंगे। सेक कॉस ए का जो है ना रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/1 1 ही होता है, √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 है तो इसका भी √2 हो जाएगा, 1/2 है तो इसका 2 हो जाएगा। 0/0 जो है ना इसमें भी नॉट डिफाइन होता है, तो नॉट डिफाइन लिखेंगे। अब कॉट का देखे थे, कॉट टैन का उल्टा होता है, तो अब ये 0 नीचे आ जाता है इसलिए नॉट डिफाइन आ जाता है, और ये टैन 1/√3 है तो सिर्फ √3 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, और इसका जो है ना आपका 0 हो जाएगा,
ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम यहाँ पर वापस हम समझा देते हैं, फिर दोबारा हम समझा देते हैं इसको जो है ना, आपको वैल्यू बनाना है 0, 30, 45, 60 और 90, केवल इतना ही का वैल्यू होता है। इसके बाद जो वैल्यू जो होते हैं वो अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना आते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना, 4 से इसको डिवाइड कर देना, सब पे रूट लगा देना, और जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर देना, उसके बाद सबका यहाँ लिख लेना। ये 0/4 0 हो जाता है, 1/4 1/2 हो जाता है, 1/2 बचा हुआ तो 1/√2, और ये √3/2, और ये 1 हो जाता है। और आप देख रहे हो इसका जो है ना अपोजिट इसको लिख देते हैं, यहाँ से इसको उलट करके लिख देते हैं। इस तरह से जो है ना हम इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने आएगा तो आप कभी भी याद नहीं होगा तो आप कहीं पर भी बना करके इसको आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छा है कि इसको जो है ना आप याद ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है इस पर, तो एक क्वेश्चन के लिए पूरा टेबल बनाना जो है ना ये बेवकूफ़ी है, इसलिए जो है ना इसको आप मेमोराइज कर लें। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो इवेल्युएट करना है, 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये आपका है sin 60° cos 30° + sin 30° और cos 60°, ये है। तो अब साइन 60 की वैल्यू जो है ना आपको लिखने हैं, तो अब साइन 60 की वैल्यू भी वापस आपको टेबल से लिखने हैं। तो साइन 60 की वैल्यू आपका √3/2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू जो है ना लिखने हैं तो ये भी √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 की लिखनी है 1/2 होता है, और साइन 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होता है। तो √3 को √3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये 3 आता है, और 2 को करते हैं तो 4 आता है, प्लस 1 जब करते हैं 1/4, √3 का जो है ना जैसे √a को √a से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a ही आता है, ये फॉर्मूला पे ये सोल्व होता है। इसका LCM आप 4 ले लेते हो, ये सेम है डिनोमिनेटर इसलिए ऊपर भी सेम ही हो जाएगा, मीन्स ये 4/4 आपका हो गया, कैंसिल आउट करके 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू याद रहेगा तो ये क्वेश्चन जो है ना सोल्व बहुत ही आसानी से जो है ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3 देख लेते हैं, इसका 1 का 3 नंबर पार्ट आप देखते हो, ये है cos 45, बाई है sec 30 प्लस cosec 30। इसका देखते हैं cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये लिख लेंगे, sec 30 की वैल्यू है 2/√3, ये लिख लेंगे, cosec 30 की वैल्यू 2 है। अब जो है ना यहाँ पर हम LCM लेंगे, ये 1/√2 तो आप वापस लिखते रहेंगे, और यहाँ पर LCM लेंगे √3 और 1 का √3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा, प्लस इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√3 हो जाता है, फिर वापस ये 1/√2 तो यही रहेगा, और ये जो है ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाले को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा √3/2 + 2√3, तो √3 1 √3 हो जाएगा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√2 होगा, प्लस इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√6 हो जाएगा। ये जो होता है ना जैसे आप √a और √b को जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो रूट के अंदर ab ही आता है, तो उस फार्मूला पर इसको कर लें। उसके बाद जब भी आप डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा ना तो इसको आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इस जितने भी डिजिट हैं वो सेम रहते हैं, बस साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है ना तो इसके माइनस से इसको रेशनलाइज कर देते हैं ऐसे। अब माइनस रहेगा तो इसके प्लस से रेशनलाइज कर देंगे, फिर हम वापस √3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इससे करेंगे तो ये 2√6 हो जाएगा, माइनस इसको हम इससे करेंगे तो ये 2√18 हो जाएगा, ये इसी फार्मूला पर आ गया। बाय, अब यहाँ देख रहे हो कि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो उसका फॉर्मूला a का स्क्वायर होता है और b का स्क्वायर होता है, इसको हम लिख लेंगे इस तरह से। फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले पर हम इसको जो है ना लिख लिया है। फिर हम इसको हम वापस सोल्व करेंगे, वापस हम सोल्व करते हैं यहाँ से, तो हम देखते हैं इसका जो वैल्यू होता है
ये 2√6 माइनस 2√18 बाई, अब इस 2√2 को ना दो बार हम लिखेंगे 2√2 इंटू 2√2, तो ये देखिए 2 जाए तो 4 हो जाता है और √2 जो है 2 हो जाता है, यानी कि 8 हो जाएगा ये माइनस। उसी तरह से 2√6 है और इंटू 2√6 है, तो ये 2 जाए तो 4 हो जाएगा और √6 हो जाएगा, तो ये 24 हो गया। इस तरह से जो है ना आप खोल करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें से 2 कॉमन निकाल देना, तो √6 माइनस 18 को जो है ना 9 × 2 लिख सकते हो बाय, इसमें से माइनस कर लो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, 1 माइनस कितना, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 बार, तो ये आपका हो जाएगा √6 माइनस, ये 9 है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, इसलिए 3√2 बाय ये माइनस 8 हो गया। अब ये माइनस है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं ना तो माइनस डिनोमिनेटर में नहीं आता है, तो इसका माइनस ना बाहर निकाल देंगे, इसमें से माइनस ऐसे निकालेंगे तो इसका इसको ना चेंज कर देंगे, ये माइनस में है तो इसको हम प्लस में लिख लेंगे पहले, और ये प्लस में है तो इसको हम माइनस में लिख लेंगे बाई 8 माइनस, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाले जो है ना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऐसे। उसके बाद हम देखते हैं सारे क्वेश्चन जो है ना इसी तरह से सोल्व होगा, और जो भी प्रॉब्लम है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन लास्ट जो है ना 3 नंबर क्वेश्चन है, ये आप देख लो, 3 नंबर क्वेश्चन में है tan b इक्वल टू दिया हुआ है √3। तो अब इसको देखो आप, ये tan a प्लस b है ना, तो ये जो √3 है तो ये देखेंगे tan में ही कितना में आता है ये √3, ये देखेंगे, तो ये tan 60 में आता है तो हम tan 60 लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो रहेगा ना उसी में ये वैल्यू देखना है कि वो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ भी tan आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b इक्वल टू 60। यहाँ पर साइड में आप लिख देना, इसको आप फर्स्ट मान लेना, यहाँ पर साइड में लिख लेना कि चूँकि a प्लस बी एंड 60 ये बोथ जो है ना एक्यूट है, एक्यूट एंगल है, ये लिख लेना आप। फर्स्ट हो गया इक्वेशन, दूसरा इसका पार्ट दिया हुआ है कि tan a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। फिर वापस देखो यहाँ tan है, इसलिए हम tan a माइनस बी लिखेंगे और tan में ही देखेंगे कि 1/√3 कब आता है, तो tan 30 में आता है। अगर यहाँ sin है तो sin में देखना, cos है तो cos में देखना, जिसमें है उसमें देखना है। तो फिर वापस से a माइनस बी इक्वल टू आपका क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन 2 लेट कर मान लेना इसको, और ये वापस से जो है ना ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो है ना लिखनी है, ये वाली नोटेशन आपको जो है ना यहाँ पर जो है ना लिखने हैं दोबारा। फिर अब आपका जो है ना इक्वेशन 1 आ गया, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको जो है ना सोल्व कर लेना है। तो इनको हम सोल्व करते हैं, तो हम लिखते हैं सोल्विंग 1 और 2, सोल्विंग लिख लो या एड 1 और 2 आप लिख लो, दोनों जो है ना सेम ही होता है। तो हम इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा पहला इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू 60, दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30, ठीक है। अब इनको हम सोल्व करेंगे, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, तो ये 2a हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 90/2 45, यानी a की वैल्यू हमारे कितनी आ गई भाई, 45 आ गया, ठीक है। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन 1 में कर लेते हैं, 2 में कर लो, 1 में कर लो, 2 में कर, किसी में भी कर लो। तो ए आपका है ए प्लस बी इक्वल टू 60, तो ए की वैल्यू 45 प्लस बी इक्वल टू है 60, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 60, ये प्लस में है यहाँ पे, तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और 5 में से 4 जाएगा 115 डिग्री। तो ये आपके जो है ना आपके वैल्यूज हो गए। इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। बाकी आप जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना इसको आप देख सकते हो, ये सारे जो है ना सॉल्यूशन वहाँ दिए हुए हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है आप जो है ना कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।